नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का तहे दिल से अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज सुबह सुबह का एक खूबसूरत नज़ारा जो मैंने अपने ना कैमरे में कैद किया, सूखा हुआ जो ये अरबी का पत्ता है बीच में से पसा रहा है और उसके ऊपर पानी की एक बूंद रह गई थी पानी डालते टाइम कल शाम को, और कितना मोती जैसा लग रहा है ये बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाती है कभी कभी प्रकृति भी। और आज का ये वीडियो हमारा इस विषय पर नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी अपने गार्डन के लिए, अपने किचन गार्डन के लिए, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और कुछ मेरा अभी और सामान बचा हुआ है, वो जब आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स मंगाए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये नेट हट जाएगा तो मेरे जो ये 6.5 फीट वाले ग्रो बेड हैं इनके ऊपर जो पूरा स्टैंड बना हुआ है उस पर ये बहुत अच्छे से लटकेंगे। तो कुछ तो है मेरे पास, 2 साल पहले मैंने ट्रस बास्केट से मंगाए थे तो वो बड़े अच्छे से हैं मेरे पास, हालांकि उनकी चेन वगैरह ख़राब हो रही थी तो वो भी मैंने नई मंगाई है। और कुछ मैं और मंगाए हैं क्योंकि काफ़ी सारे उस पर ना हैंग हो सकते हैं पॉट्स, तो ये इस तरह के मैंने ये पॉट्स मंगाए हैं। काफ़ी अच्छा साइज़ है इनका फ्लावर प्लांट्स लगाने के लिए। और अभी तो मैं इसमें पोर्टुलो का लगा दूँगी और सर्दियों में ये पिटूनिया लगाने के काम आएंगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं हैंगो के। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, ये मीडियम क्वालिटी के ही हैं, पर प्राइस भी उतनी ही ठीक ठाक सी थी, 50-55 रुपए का ही एक पड़ गया है ये मुझे ओवरऑल, तो ये इस प्राइस में तो ठीक ही हैं। और आप बहुत उम्मीद भी नहीं कर सकते, और इतनी ख़राब भी नहीं है, क्वालिटी अच्छी खासी है। तो 10 ये मैंने मंगाए हैं विद चेन है ये। और इसके अलावा आप ये देखो, मैंने ये कुछ चेन इसकी है, चेन भी मीडियम क्वालिटी की है, ठीक ठाक चल जाते हैं। ये एक फ्री इन्होंने इसके साथ दिया है, छोटा सा पॉट है, ये प्यारा लग रहा है वैसे। और ये देखो, मैंने आप कुछ एक्स्ट्रा है ना, अलग से ना ये चेन मंगाई है, क्योंकि मेरे जो पुराने वाले हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनमें प्लास्टिक की चेन लगी हुई थी और वो है ना आप ख़राब होने लगी है, कुछ पॉट्स की तो बिल्कुल टूट गई है, तो मुझे ये एक्स्ट्रा चेन की ज़रूरत थी। ये जो मैंने यहाँ पे लटकाए हुए हैं इनमें 12 पॉट्स हैं ये मेरे पास, और ये 2 साल पहले मैंने मंगाए थे, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, नीचे प्लेट भी लगी हुई है इनमें, इससे जस्ट डबल प्राइस के थे ये, पर इनकी चेन जो है वो अब ख़राब हो गई है क्योंकि इनमें चेन भी प्लास्टिक वाली ही थी, तो ये चेन भी मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है। और कुछ मैंने ये हुक्स मंगाए हैं, मुझे याद आ गया कि इनकी चेन के जो हुक्स होते हैं वो मेरे है ना आयरन रॉड्स पे बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि वो चौड़े पैनल बने हुए हैं उसके थोड़े से, तो ये मैंने इस तरह के हुक्स भी मंगाए हैं, ये उस पर आराम से लटक जाएगा और फिर इसके ऊपर मैं अपना है ना पॉट हैंग कर सकती हूँ, तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से लगा दूँगी इसको, और ये बहुत अच्छे मजबूत हैं, हैंगिंग के ही काम आते हैं ये, तो ये भी मैंने कुछ मंगाए हैं अमेज़ोन से, मैंने ये मंगाए हैं। और ये देखो आप, थोड़े थोड़े दिन में मुझे शौक लगता रहता है, हालांकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, शुरू शुरू में नया शौक होता है तब तो पहनती हूँ। और फिर ये गार्डनिंग ग्लव्स मैंने मंगाए हैं, तो ये देखो नए तरह के आने लगे हैं अब, ये इनमें ये प्लास्टिक के नेल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो जिनको खुरपी यूज़ करने की आदत नहीं है, मेरे पास ढेर सारी अलग अलग तरह की खुरपियाँ हैं पर फिर भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो अपने हाथ में इसको पहन के काम कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे मुझे, बट हाँ मेरे को शुरू शुरू का शौक होता है, याद आ गया तो पहन लिया, नहीं तो आधे टाइम तो मुझे काम करने के बाद याद, ख़त्म करने के बाद याद आता है कि मेरे पास ग्लव्स भी हैं। पर ये कुछ नया है इसमें, तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं, इसको यूज़ करके देखेंगे कितने दिन चलते हैं ये, तो ये ग्लव्स मैंने मंगाए हैं। वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं मुझे, हल्के भी काफ़ी हैं और प्राइस भी रीज़नेबल ही है। तो ये देखो हुक जो मैंने आपको बता रही थी, मैं इस तरह से ये मेरी रॉड जो लगी हुई है इस पर एंगल का बना हुआ है ये मेरा, उस पर आराम से आ जाएंगे और फिर मैं हैंग कर दूँगी। ये तो प्लास्टिक वाले तो क्या है, थोड़े से चौड़े हो जाते हैं अगर आप लगाओ तो इनको, तो ये फिर भी लग जाते हैं। और ये देखो इस तरह से इनकी ये नीचे से हैंग करने की वो टूट गई है,
दो दो चेन के ऊपर भी लग जाता है, दो कड़ियों के ऊपर भी, पर काफ़ी सारे की तो तीनों टूट गई हैं, तो उस वजह से मुझे नए लोहे के भी वो मंगाने पड़े हैं, और ये काम हो गया मेरा बढ़िया। और ये देखिए मैंने 2-3 दिन पहले ये भी कुछ और ग्रो बैग्स, मेरे जो पॉली बैग्स होते हैं वो मंगाए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सीजनल वेजिटेबल्स अगर आपको कुछ लगानी है झाड़ वाली तो इसके लिए तो बेस्ट होते हैं ये। तो मैंने ये गोभी के लिए मंगाए हैं अपने, 10 का ही पैक मंगाया है मैंने अभी तो, ये क्योंकि पुराने भी मेरे पास हैं काफ़ी ये। और आप देखो मिट्टी के 12 इंच पॉट की, इसमें 2.5 पॉट की मिट्टी आ जाती है, इतना मिट्टी खाते हैं ये, कुएं जैसे होते हैं बिल्कुल। तो है ना, एक गोभी का प्लांट, एक ये वाले हैं, ये पहले से लगे हुए हैं मेरे पास काफ़ी। तो एक गोभी का प्लांट एक है ना पॉट में आराम से आ जाएगा ग्रो बैग में, और बहुत बढ़िया फूल का साइज़ रहेगा। तो उसके लिए ये टेम्परेरी तो बहुत ही अच्छे होते हैं, और कितने सस्ते पड़ते हैं ये, फिर भी 3 साल से तो मेरे पास हैं ये पुराने वाले, और कुछ भी नहीं बिगड़ा इनका। मैं ना पॉली बैग भी है ना इनका खींचता नहीं है, मैं इन हाथ से ऐसे उठा के और इधर से उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये भी मुझे पसंद है क्योंकि चलने वाली चीज़ होती है और सस्ती पड़ती है ये, अपने को कोई बहुत महंगे नहीं पड़ते, और साइज़ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं ये, काफ़ी मिट्टी आती है इनमें, पॉट का वेट बिल्कुल भी नहीं होता आपका। तो ये अच्छा ऑप्शन है टेरेस गार्डनिंग का एक, और यूवी ट्रीटेड होते हैं ये। तो मुझे तो पसंद आते हैं ये, जैसे अब गोभी का सीज़न आएगा, आपने गोभी लगाई 3 महीने में ख़त्म, फिर आप इसको चाहे तो खाली करके रख सकते हो, होल वगैरह बने हुए आते हैं इसमें। तो अगर आप ये बड़ा पैक मंगाते हैं, जैसे हम लोग 20 का एक साथ मंगाएं जैसे कुछ, तो ये 24-25 रुपए का पड़ता है शायद एक इस साइज़ पे। और इसमें नीचे ये थोड़ी सी वो तो दी हुई है हल्की प्लास्टिक, तो पर है ना होल नहीं बनाए हुए, तो इसमें होल करना पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से होल करके हम लोग बस इनको तैयार कर लेंगे सबको। ऐसे जो ये सॉफ्ट प्लास्टिक होती है ये, इसके काफ़ी चल जाते हैं पॉट्स, कोई खास बिगड़ता नहीं है इनका कुछ भी, इसीलिए मैंने ये मीडियम क्वालिटी के मंगा लिए। और ये देखो मैंने ग्लव्स चढ़ा लिया है अपना, देखते हैं कैसे काम करता है। तो मिट्टी थोड़ी सी तैयार पड़ी हुई थी मेरी, हाँ काम तो ठीक ठाक ही करता है ये, आराम से आप काम कर सकते हो, बिल्कुल लाइट वेट है, देखो कितना चलता है, लग तो बढ़िया ही रहा है काम करने में तो। इजी इजी है। और मुझे लग रहा था इसके ये प्लास्टिक नेल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये जाने किस तरह से काम करेंगे, पर ये कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी नई नई चीज़ें बनने लगी हैं, आप बस डाल के देखो, ऑनलाइन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ चीज़ नहीं मिले आप जो चाहते हो वो। चलो आसान हो जाएगा काम थोड़ा सा। इसके अलावा मैंने इस वीक ये देखो आप इफ़्को से ये परलाइट भी मंगाई है, पहली बार मैंने परलाइट मंगाई है, वोल्केनो ऐश होती है ये, और काफ़ी हल्की होती है, और है ना ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा बनाती है, एयरिंग बहुत अच्छी करती है मिट्टी में या जो भी मीडियम में, आप मिट्टी में तो नहीं मिलाते इसको लोग ज़्यादातर, पर मैं तो मिला लूँगी। तो कभी कभी कोको पीट नहीं होती तो उसका ऑप्शन हो जाता है, ये लाइट वेट होता है बिल्कुल, 20 टाइम पॉप्स हो सकता है ये। मुझे लगता था ये हमारे पास आके हम पानी में भिगोएंगे तो पॉप होगा, पर नहीं ये ऑलरेडी होता है, धो के इसको काम में ले सकते हैं आप ऐसे कैसे। तो ये मैंने 4 पैकेट मंगाए हैं, क्योंकि है ना जब भी थोड़ा ज़्यादा में सामान हम लोग मंगाते हैं ना तो प्राइस बहुत ड्रॉप हो जाती है, लगभग आधी सी ही हो जाती है फिर उस चीज़ की प्राइस। और इसके अलावा मैंने 2 कोकोपीट की ब्रिक्स भी मंगाई हैं जो 3-4 दिन में आने वाली हैं अभी, क्योंकि इस बार का मेरा शॉप वाला कोकोपीट बहुत ख़राब निकला, बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैंने 2 वो भी मंगाई हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी शॉपिंग आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।